ये भाई मेरे पास आए थे, नाम क्या आपका? जी मेरा नाम शफकत है और मैं भाजन का फेसबुक में चलता था, बस वो उसी को फॉलो करके मैं इनके पास फ़ोन किया। मैंने फ़ोन करके इनके पास आया हूँ, अल्लाह का नाम लिया मैंने। इरादा मेरा कोई नहीं था गाड़ी सही कराने का, मैं कहा भाईजन डिस्कस करूँगा, दिखूँगा भाईजन को। तो बहरहाल भाईजन से बात की मैंने, तो मेरा ना भाईजन की बातें मेरे दिल पे लगी, तो मैंने कहा भाईजन काम करें कोई बात नहीं। हालांकि मेरा एक काम और भी था, मगर मैंने कहा भाईजन का मैं आपको एक घंटे में फारग कर दूंगा। एक घंटे में भाईजन ने मेरा एसी भी चला दिया है, मेरी गाड़ी की साउंड भी ओके हो गई है और गाड़ी मेरी हल्की हो गई है। जो काम कोई मैकेनिक नहीं कर सका, कोई कहता था इसकी जी वायरिंग कराएं, अच्छा। कोई कहता था जी इसका सेंसर जो है ना वो लेकर आएं आप बिलालगंज से, अच्छा, और चौक सेंसर लेकर आएं, कोई क्या, बस मैं डिसाइड हो गया। मैंने कहा यार मैं कुछ नहीं करता, मैं ना बस बगैर एसी के चला लेता हूँ और मिनी की राइडें कर लेता हूँ। तो बस फिर भाईजान के पास अल्लाह ने भेजा मुझे, वैसे यहाँ पर राइड उतारी थी मैंने यहाँ पर शाहफरी। तो मैंने कहा यार फेसबुक पे अक्सर इनका आ रहा होता है, तो मैंने कहा चलो चक्कर लगा लें। तो बैठे बैठे रास्ता भी बन गया मेरा, एक भाई से मैंने बात की, कहता ठीक है तू काम करा ले मैं तुझे पैसे दे दूँगा। तो मैंने फिर काम शुरू करवा दिया। अब मैं गाड़ी काम हो गया, फाइनल हो गया, तो अब मैं अपनी गाड़ी से बहुत मुतमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी अच्छा, ये कितने बंदों को चेक करवा चुकी है? ये कम से कम 4-5 बंदों के हाथों आई ये गाड़ी, जिसके बाद गाड़ी अपने पैरों पे नहीं आई। आज अपनी गाड़ी मुझे लग रहा है अपने पैरों पे आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है, उस पाक जात का बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला ने की है, इनकी काम हो गया है। कोशिश करता हूँ कि नियत से काम करें, दुआ करके करें, हर काम मेहनत से तो नहीं, कुछ चीज़ें दुआ से भी हो जाती हैं। और अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई खुश हो गए हैं, बड़े खुश थे गाड़ी में बैठे, एसी चल रहा है, ये मुतमिन हो गए हैं, वरना तंग थे, बार बार एक ही बात कर रहे थे मेरा एसी तो सही चलेगा, कोई कह रहा है आपकी वायरिंग ख़राब है, कोई कह रहा है कंप्रेसर ख़राब है, कोई कुछ कह रहा था। अल्लाह ताला सब दोस्तों को खुश और सलामत रखे, दुआ में याद रखना, मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहना रफानी ऑटो, आपको मालूमती वीडियो देते रहेंगे। जो दोस्त परेशान है मुश्किल में रब्ता करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनका मसला हल करेगा। ओके अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद कदीर अरफानी ऑटो लाहौर से। गाड़ी मेरे पास लेके हैं, ऊबर क्रीम पे चलाते हैं भाई, इसका भी एसी का वही मसला है, ट्रिप कर रहा है, बंद हो रहा है, ट्रिप कर रहा है, ये प्लग जी पावर नहीं लगते, दूसरे लगते हैं। इनके टैबलेट मैंने दो किए हैं, इनके टैबलेटों की पोजीशन, ये सारे टैबलेट ही बंद है। ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से इनको गाड़ी करके देंगे, ये गाड़ी भी करनी है सही। इस गाड़ी का मसला है, ये भी थोड़ा गाड़ी खोल रही है, इसकी भी फ्यूल की एवरेज बहुत ज़्यादा ख़राब है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से करके देंगे ये गाड़ी। ये जापानी मज़दा है, वैसे स्टिकर सुजुकी का लगाया हुआ आ गया, 2006 मॉडल है, ये फ्यूल ज़्यादा खर्च कर रही है, इसको भी पिक भी नहीं, ये भी करके देनी ठीक है इंशाल्लाह। ये करते हैं, ये टैबलेट देखें कितने बंद हैं, ये गेज है 15 नंबर, ये है 25 नंबर MM, ना इधर जा रही ना उधर जा रही, ये 15 की गेज इधर नहीं दाखिल हो रही, इतने को टैबलेट ऐड किए हुए हैं। ऊपर ले आ गया कैमरा, इन्हें ऊपर ना रखा, नज़र आया सही। बट ज़्यादा टैट होने की वजह से आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए। ये मैंने किया है एक नंबर, अब तीन नंबर, अब चार नंबर करना है। ये वाल जो है ना आगे करो, बैठ के ऊपर उठेगा, ये वाला ऊपर उठेगा, ये दोनों इशारे करेंगे, ये वाले देखना क्या। देखिए वाल ऊपर आ रहा है ये वाला, ये दोनों इशारा करेंगे आगे का, थोड़ा कैमरा इंतजार है। ये देखें ये भी टैबलेट बंद है सारे, ठीक है। ये देखें कोई गेज अंदर नहीं दाखिल हो रही, ये भी नहीं गेज दाखिल हो रही, ठीक है, ये गेज भी अंदर दाखिल नहीं हो रही, टैबलेट ऐड है।
दोस्तों के पास एक ही गेज होती है, वही गेज वो इस्तेमाल करते हैं, उसी गेज इस्तेमाल नहीं करते हैं। टैपड़ मुकम्मल, बट गर्म गाड़ी की आप करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे, ठंडी गाड़ी के टैपर नहीं करने हैं आपने। ये सारे टैपर कंप्लीट हो गए, अभी हम इसकी थ्रॉटल बॉडी चेक करते हैं, प्लग फिट करते हैं, तारें चेक करते हैं। आप अपने से अपना कर लो, ये इसके चोक सेंसर सर्विस कर दिया है, थ्रॉटल की सारी कर दी, सेटिंग करने लगे हैं। देखिए कितने जैन बजते रखे हुए, ये वाले पता नहीं कितने को बंदों को गाड़ी, कितने बंदों को चेक कराई, काफ़ी बंदों को कराई ना। ये है भाई, बड़े बंदों को चेक कराई। हाँ जी, मैं कम से कम कितने बंदों को चेक कराई, काफ़ी। मैं 5 साल से ये काम कर रहा हूँ उबर करीम का, तो भाईजान का ना मैंने फेसबुक पे देख के तो अल्लाह का नाम लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो अब देखें गाड़ी तैयार हो तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी से इनको रिजल्ट निकाल के देंगे। जिनका जो फॉल्ट है एसी बंद, पहले वीडियो डाली सियालकोट से है भाई, काफ़ी गाड़ियाँ की हैं, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। इंशाल्लाह गाड़ी का रिज़ल्ट भी निकालेंगे और इनको पोजीशन भी बना के देंगे इंशाल्लाह। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसकी सेटिंग करके देंगे, इस जान की ये चीज़ जो है अच्छा रहेंगे। और ये अक्सर भाई ये चोक सेंसर चेंज कर देते हैं, ये वाला अभी मैंने गाड़ी की है चोक सेंसर चेंज किया हुआ था, अभी फिटिंग करने लगा, मुकम्मल करता हूँ। ये बाकी गाड़ी मुकम्मल हो गई है इंशाल्लाह, इसकी फिटिंग के बाद गाड़ी का रिज़ल्ट निकालने के बाद इसका व्यू लेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये गाड़ी स्टार्ट है, दूसरे नंबर पे ये देखें एसी चल रहा है, ठीक है। एसी चल रहा है, एसी चल रहा है, एसी माशाल्लाह ठीक है। ट्रिप तो नहीं कर रहा? नहीं हूँ ट्रिप नहीं कर रहा, पहले ट्रिप करता था, चलता सी बंद हो जाता सी, कंटिन्यू चल रहा है। किन्ने बंदे चेक कराई गड्डी सही? मैं 5 साल तो काम कर रहा, तो 5 साल तो मैं चेक ही करा रहा हूँ, सेट नहीं हो रही, सेट ही नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी ना उसके फजल से उसके कर्म से ये गाड़ी एवरेज पिकअप फ्यूल एवरेज हर चीज़ परफेक्ट होगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना, अभी हम ये गाड़ी की ट्राई करके इस भाई के हवाले गाड़ी करते हैं। ये बड़े परेशान थे जैन, इन्होंने 15-20 जैन रखे हुए हैं कि बार बार चेक कराने, इसको कराओ उसको कराओ उसको कराओ इसको कराओ, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। लेकिन जब अल्लाह ताला मेहरबानी करता है ना, बंदे को कुछ समझ नहीं आती कि क्या हो गया। ये गाड़ी का भी पिकअप बढ़ा के एवरेज सेट करके देते हैं इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना, अल्लाह ताला जो दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे, जिस जगह पर कोई है, अल्लाह ताला सबको खैर और सलामत रखे, सबके अल्लाह ताला हाफिज़ अपने हिफ्ज़ो माल में रखे। दुआ में याद रखना, ये वीडियो मेरी जब भी आप देखें गौर से देखा करें मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ। ओके अल्लाह ताला।